हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स किचन में। मैं हूँ कविता और आज हम बना रहे हैं मूंग दाल सूप शिशुओं के लिए। शिशुओं को दाल का पानी सजेस्ट नहीं किया जाता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड्स में, क्योंकि दाल का पानी जब आप देते हैं उसमें विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी बच्चों को देना चाहिए वो सब चला जाता है। तो दाल के पानी के बजाय हमें उसका सूप बना के या उसका प्यूरी बना के ऐसे इस तरह देना चाहिए, जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो क्विकली चलिए देखते हैं ये मूंग दाल सूप कैसे बनाया जाए। सबसे पहले एक पैन में मूंग दाल ले रही हूँ, इसे पहले क्लीन कर लीजिएगा और बाद में पानी से एक या दो बार धो के हम एक पैन में इसे डाल के इसे भिगोएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, काफ़ी है। अगर आप प्रेशर कुक कर रहे हैं तो ये स्टेप ओमिट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रेशर कुकर में एक विजल पकाएंगे तो ये मूंग दाल पक जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर कुकर बहुत कम दाल के लिए बहुत ज़्यादा गैस वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पैन में बना रही हूँ। इसे सोक करने के बाद एक स्टोव के ऊपर रखे इसे ऑन कर लीजिएगा, गरम करने के लिए रखे इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, जैसे घी और हल्दी का पाउडर और पेपर पाउडर या काली मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और ऐसे ही मिक्स करते इसे पकने के लिए छोड़िएगा। जैसे मैंने कहा था प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, पर 10 से 15 मिनट तक ये बहुत अच्छी तरह से ऐसे पक के तैयार हो जाता है, तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है। और आप ऐसे ही अपने बच्चे को इसे दे सकते हैं, और अगर चाहें कि सॉफ्ट प्यूरी ही देना तो इसे ऐसे ब्लेंडर में डाल के इसे प्यूरी बना लीजिएगा आप। दाल का पानी इससे ही बनाया जाता है, सिर्फ ऊपर का पानी लेके थोड़े लोग बच्चों को देते हैं, पर वो बहुत सजेस्टेड नहीं है। WHO रेकमेंड करता है कि थिक सॉलिड दिया जाए जब आप बच्चे को शुरुआत करते हैं तब भी। तो ये मूंग दाल सूप या दाल का पानी रेडी हो चुका है आपके बच्चे के लिए। आशा है कि आपको ये रेसिपी, ये वीडियो पसंद आई। ध्यान रखिएगा कि ये सूप बहुत ही थिक रहना चाहिए, थोड़ा बहुत जो आप अपने उंगलियों में उठाएंगे तो ठहरना चाहिए वहाँ पे, बहुत पानीदार नहीं देना चाहिए शिशुओं को। और हमारे चैनल में ना बहुत सारे सूप के रेसिपीज़ हैं, और शिशुओं के लिए बेबी फूड चार्ट है, बेबी फूड रेसिपीज़ बहुत हैं, उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक और अच्छे अगले रेसिपी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।